फ्रेंड्स, वेलकम टू अनोखा व्यंजन। अनोखा व्यंजन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चना दाल का पूरी, चना दाल भर के पूरी। ये नॉर्थ इंडियन डिश है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी रहता है। तो चलिए बनाते हैं चना दाल भर के पूरी। तो दाल भर के पूरी बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी ये दाल, चना दाल ली हूँ। तो पहले इसको बाउल में डाल के अच्छे से धो लेती हूँ। दाल धो ली हूँ, अभी इसको कुकर में डाल ली हूँ। अभी इसमें दो ग्लास पानी डाल देंगे। ये ग्लास से देखिए, दो ग्लास पानी डाल रही हूँ सीजने के लिए, और इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के, जैसे दाल को हम लोग कैसे पका के लेते हैं वैसे ही पका के लेंगे। तो मतलब पूरा दाल गलना नहीं चाहिए, हल्का कड़क रहेगा बस उस टाइप से। तो चार या पांच सीटी लगाएंगे तो चना दाल अच्छे से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से वो पक जाएगा। पांच सीटी दे दी है कुकर, तो इसको बंद कर दी हूँ, थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। तब तक आटा सान के लेते हैं पूरी के लिए। तो ये गेहूं का आटा है, इसमें थोड़ा सा, मतलब ये तो तलेंगे तो ये होगा ना, थोड़ा क्रिस्पी होने के लिए इसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, एक चम्मच, और आधा चम्मच बिल्कुल मतलब नमक डालेंगे, बस इतना सा नमक डालती हूँ। सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी और आटा सान के लूँगी। आटा ज़्यादा मतलब गीला नहीं चाहिए। तो आटा सान ली हूँ मैं, देखिए ना ज़्यादा गीला की हूँ, कड़क भी नहीं है, मतलब ठीक जैसा चाहिए हम लोगों को पूरी के लिए। तो इसको साइड में रख देती हूँ, और ये हमारा कुकर का हो गया, ठंडा हो गया है बिल्कुल। तो इसको खोलती हूँ ढक्कन को, तो अच्छे से सीज गया है दाल, देखिए पक गया है, और पानी भी नहीं है ज़्यादा, जो मुझे इसको थोड़ा छाँक के लेना पड़े। तो बिल्कुल अभी मैं हाथ से आपको दिखाती हूँ दाल सीझा है क्या नहीं। तो देखिए दाल बिल्कुल अच्छे से ये देखिए हो गया है। तो अब इसको हम लोग हल्का सा फ्राई करके लेंगे दाल को। तो कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें पहले तेल डालेंगे, तेल डाली दो चम्मच, तेल को गरम होने देती हूँ अच्छे से। तेल गरम हो गया है तो इसमें पहले तेज पत्ता डाल देंगे, चुटकी भर हींग डाल देंगे, और ये प्याज है बिल्कुल बारीक काट के ली हूँ, प्याज छोटा सा प्याज है ये डाल देंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, रेड होने देती हूँ प्याज को। प्याज फ्राई हो गया है अच्छे से, देखिए कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। गैस को स्लो करके फिर इसमें मिर्ची पाउडर एक चम्मच, और ये हाफ चम्मच, ये छोटे चम्मच से 1.5 चम्मच भी, और ये भुना जीरा, जीरा पाउडर जो है ये दो चम्मच, छोटे चम्मच दे के इसको फ्राई कर लेंगे। तो मसाला फ्राई हो गया है देखिए। तो अब इसमें ये दाल को, बॉईल किया हुआ जो दाल है इसको डाल देंगे। गैस को बिल्कुल स्लो कर दूँ और इसको सबको डाल देंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से चलाएंगे। इसमें नमक तो तभी मैं डाली हूँ, बट थोड़ा नमक कम है तो इसमें आधा चम्मच नमक डालूंगी, इतना नमक डाल दी, और इसको अच्छे से चलाएंगे पहले। ये फ्राई हो रहा है दाल, हल्का सा फ्राई करेंगे, तब तक ये दाल को थोड़ा ऐसा, ये दाल खरा दाल रहेगा तो पूरी बनाएंगे तो पूरी फूट जाएगा, तो फिर तेल उसके अंदर जाता है ना पूरी के, इसके लिए इससे स्मैश कर देंगे अच्छे से इसको, ये फ्राई भी हो जाएगा और स्मैश भी हो जाएगा। दाल अच्छे से सीझ गए, कभी कभी क्या होता है दाल ज़्यादा नहीं सीझा होता है तो ये स्मैश नहीं होता है, तो हम लोग उसको मिक्सी के जार में भी ऐसा पीस सकते बिना पानी का सूखा, तो वो भी अच्छा होता है। तो अभी तो मेरा दाल बहुत अच्छे से सीझ गया था, तो देखिए अच्छे से स्मैश हो गया है। अब इसको मैं चला लेती हूँ, 5 मिनट फ्राई करके गैस को बंद कर देंगे। तो मैं तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ गैस पे, और ये हमारा स्टफिंग रेडी है चना दाल
फ्राई करके अच्छे से सब करके रेडी है, आटा रेडी है। अभी इसको पूरी छोटी छोटी लोई काट के लेंगे और पूरी इसमें भर भर के हम लोग पूरी बना के लेंगे। इसको अच्छे से गोल कर लेंगे और हल्का से ये सूखे आटे में इसको डाल के करके ये हम लोग जैसे स्टफिंग करते हैं ये, तब तक हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। तो ये देखिए इतना इतना लेके ऐसे और इसको हल्का सा आटा लगा के, ज्यादा आटा नहीं लगाएंगे, और इसको बेल लेंगे और ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे ये पूरी को। बस इतना इतना बेल के सबको इस तरह बेल के रख लेंगे। तेल गर्म हो गया है तो एक एक करके पूरी को डालेंगे। तो गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे मीडियम फ्लेम पे, तो वो सीजना भी चाहिए, ऐसे ऐसे पकना चाहिए पूरी। तो ये पूरी जो है बारिश के मौसम में मतलब और टेस्टी लगता है खाने के लिए। तो बारिश के मौसम में ये पूरी बना खाने से ना और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है खाने में ये पूरी। तो बारिश के मौसम में जरूर बनाएं आप लोग। और देखिए ये फ्राई भी हो रहा है, मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, पूरी फूटा भी नहीं है, मतलब चना दाल को अच्छे से स्मैश किया था। तो देखिए बहुत ही टेस्टी, और इसको इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बोले तो खीर चाहिए ही है पूरी के साथ। तो कभी मैं खीर का भी रेसिपी आपको बताऊंगी, बहुत ही अच्छा लगता है खीर के साथ आप खाइए पूरी को। और आज तो बारिश भी है इधर, तो देखिए ये पूरी तल के हो गया है, फ्राई हो गया अच्छे से, कलर भी अच्छा आया है। तो अब इसको निकाल लेंगे। इसी तरह सभी पूरी को तल लेती हूँ मैं। रेडी हो गया है चना दाल भर के पूरी। तो इसके साथ मैं खीर बनाई हूँ और मटर पनीर की सब्जी। तो इसका कॉम्बिनेशन मतलब ये पूरी के साथ ये खीर तो चाहिए ही, प्लस मटर पनीर की सब्जी बना तो और ऑसम बोलते हैं ना वैसा होता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए, प्लस अभी बारिश का सीजन है तो उसमें तो गरम गरम पूरियां खीर और मटर की सब्जी बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है। एक बार आप भी ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय।